दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन 2019 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का आंसर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र सेट ई है, आपका कोई भी कोड हो इनसे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो आपको किस प्रकार से चेक करना है कि आपका कोई भी सेट रहे, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डेटोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो आपको चेक कैसे करना है। तो आप अपने ग्रुप, आपका जो भी ग्रुप का क्वेश्चन हो, खोजिए कि डेटोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस नंबर में है, तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ही आप खोज लें तब देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि डेटोल का उपयोग यहाँ पर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो एक का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया, प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर दो, साधारण नमक का सूत्र है, तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो का सही ऑप्शन आपको ए होगा, NaCl। क्वेश्चन नंबर तीन, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन का सही ऑप्शन आपको सी आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि रेस्ट बचे सब्जेक्ट का भी आंसर प्राप्त होता रहे। आप लोग अगर ट्वेल्थ पास कर जाते हैं तो ग्रेजुएशन में नामांकन से संबंधित कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगा, क्या ले BA, BSc या BCom क्या लेना चाहिए, इन सभी की जानकारी है, तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर चार में, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो ये इनका हो गया सबसे बेस्ट ऑप्शन, इनका ऑप्शन हो गया आपको डी, ग्लास। क्वेश्चन नंबर फाइव, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया, अवकारक। क्वेश्चन नंबर छ, C2H5NH2 का आयुपैक नाम है, तो देखिए इनको हम बोलते हैं इथाइल अमीन। इनका सही ऑप्शन आपको डी आंसर हो गया, इथाइल अमीन। क्वेश्चन नंबर सात, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो सात का सही ऑप्शन आपको ए आंसर हो गया, HNO3। क्वेश्चन नंबर आठ, कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है तो इनको क्या कहते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी आंसर हो गया, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को जल के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नौ, कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो कीटोन का जो है तो होता है जनरल फॉर्मूला, वह होता है RCOR। क्वेश्चन नंबर दस, एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है, तो होता है आपको NH2 ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11, फिनोल तथा KMnO4 का 1-2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इनका जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। और रेस्ट जो आपको 25 ऑब्जेक्टिव बच गए हैं, इनका आंसर आपको रात्रि के 8 बजे या नहीं तो कल 8 बजे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर दिए जाएंगे पूरी तरह से सही आंसर दिए जाते हैं, जिसमें कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आपको पूरा आंसर नहीं मिलेगा, अगर आप रात्रि के 8 बजे या कल के 8 बजे देखेंगे तो आपको इसी वीडियो के अंत में इंड इनोटेशन में आपको पूर्ण आंसर वाला वीडियो प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।